मेरे पास आज ये बिल्डिंग मशीन आया है रिपेयर होने के लिए, MMA 250i, ये IGBT वाली बिल्डिंग मशीन है। इसमें देखते हैं कि क्या दिक्कत है। इसको सीरीज के द्वारा लगा रहे हैं, देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है। लगा दिए हैं तो ये ऑन हो गया है, लेकिन ये ओवर वोल्टेज पे ब्लिंकिंग कर रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। ये डिस्प्ले भी जीरो हो जाती है। ये इसमें यही दिक्कत है, जिस तरह से चालू होना चाहिए उस तरह से चालू नहीं हो रहा है। और डीसी वोल्टेज भी देख रहे हैं, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चौदह वोल्ट के आसपास बता रहा है, ये 14 वोल्ट के आसपास बता रहा है। एक तार से इस पार करके देखते हैं, कुछ इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कुछ भी नहीं बता रहा। और ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। देखते हैं आगे इसमें क्या दिक्कत कर रहा है। मेंस निकाल दिए हैं यहाँ पे बल्ब से, यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ करंट होगा कैपेसिटर में तो उसको डिस्चार्ज कर ले रहे हैं। यहाँ पे कोई करंट नहीं बता रहा है। अब मल्टीमीटर से डायोड या कंटिन्यूटी पे करके देखते हैं क्या दिक्कत है, ऐसा दिक्कत क्यों कर रहा है। ये पावर सप्लाई वाली बोर्ड है जो जिसमें कैपेसिटर लगा रहता है और डायोड लगा हुआ है। इसमें दो रिले लगा हुआ है और ये यहाँ पे दो डायोड लगा हुआ है, ब्रिज डायोड, और ये चार कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये यहाँ पे ये चार डायोड इधर नीचे लगा हुआ है, जो इस इंडक्टर कॉइल से होके आउटपुट निकलता है। मीटर से देखें, इसमें मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। डायोड रेंज पे कर लिए हैं, देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है। इसमें कैपेसिटर चेक कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं बता रहा है। ये एक हो गया, दूसरा ये भी शॉर्ट नहीं, तीसरा ये भी शॉर्ट नहीं, चौथा ये भी ठीक है। इसके आगे डायोड है, उसको देख रहे हैं। यहाँ का कनेक्शन जो भी है, ये एसी वाला, इसको निकाल ले रहे हैं। उसके बाद में डायोड देखते हैं, सही है कि शॉर्ट है। यहाँ का वायर हटा लिए हैं, यहाँ का कनेक्टर भी निकाल ले रहे हैं। उसके बाद में डायोड चेक कर रहे हैं, ब्रिज डायोड ठीक बता रहा है। इधर से ठीक बता रहा है, इधर से ठीक बता रहा है। ये यहाँ पे, तो यहाँ से एक शॉर्ट है, तीन इसमें सही है, एक शॉर्ट बता रहा है। दूसरा वाला चेक कर रहे हैं, सही बता रहा है। ये दूसरा वाला भी, इसमें भी एक शॉर्ट है,
इसमें इसमें एक एक ब्रिज वाली डायोड जो है खड़ी वाली, इसमें इसमें ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। अब इस प्लेट को खोल के देख लें, इसको खोल के निकाल रहे हैं, उसके बाद में देख रहे हैं। तो खोल ली है, यहाँ टीवी पेच लगा हुआ है डायोड पे, इसको भी निकाल रहे हैं। इसको खोल ली है इस प्लेट को, ये बैक साइड पे दो डायोड लगा हुआ है और इसको आयरन के जरिए से निकाल रहे हैं। इसका डायोड निकाल लिए हैं, यही ये दो डायोड लगा हुआ था इसमें, अब इसको बाहर भी निकाल लिए, उसको चेक कर लेंगे निकालने के बाद। इस शॉर्ट बता रहा हूँ, ये खराब है। दूसरा वाला चेक कर रहे हैं, ये भी शॉर्ट बना रहा है। अब इसके जगह पे दूसरा लगा रहे हैं, इसके जगह पे ये दो डालेंगे, इसको इधर फेंक दे रहे हैं, इसको भी चेक कर ले रहे हैं। ये ओके है, ये भी ओके। अब इसके जगह पे यहाँ पे जो शोल्डर ज़्यादा है उसको साफ कर ले रहे हैं, जो सुराख में दिक्कत है जो खुला नहीं है, इसको अब सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। ये डायोड लगा दिए हैं, सोल्डरिंग कर दी है, अब इसको चेक भी कर ले रहे हैं मीटर से। ये ओके है, ये भी ओके है। उसे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ दो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगा हुआ है, इसको भी चेक कर ले। 30 वाट 47 ओम्स,